So welcome back all of you, and now I hope the echo is gone. Okay, one small question before I start, and that is there any change today? Can you observe any change today? Let's see how keen an observer you are. Yes, can anybody message a change today? Yes, welcome all of you, but one small question. Is there any change today? Can you observe a change? No, not till now. Abhi tak nazar nahi aaya. Am I audible? No response. When have I tried? Chat. Yes, are you able to send messages? Or is there a problem? Well, can anybody send a message to just confirm the messages option is working fine? Messages kaam kar raha hai? Chalo, theek hai. Okay, fine, fine. Yes, message aa gaya. Chalo, theek. Actually, kisne kiya nahi to mujhe laga. Kaise to nahi ki wo kai baar na settings hum alag alag meetings mein alag rakhte hain. Kai baar bhul jate hain ki pichle meeting mein kya setting tha and all those things. चल ठीक. पासवर्ड में कुछ दिक्कत है? 5 6 7 8 9 नहीं, सब लोगों ने तो कर ही लिया है पासवर्ड मैनेज. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ यू हैव रिस्पोंडेड टू दैट वीकली थिंग दैट आई हैव टोल्ड. चलो, गुड थिंग. अच्छा हाँ, बाय द वे, जो स्मॉल चेंज था वो ये कि पहले इधर ग्रीन हुआ करता था, इधर व्हाइट, और आज इधर व्हाइट है इधर ग्रीन. आई वाज आस्किंग एनी ऑब्जर्वेशनल चेंज. चलो एनीवे, फर्स्टली थैंक यू फॉर रिस्पोंडिंग टू दी क्वेरी एज टू व्हाट ऑल थिंग्स यू आर डूइंग एंड नॉट डूइंग एंड व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस रिपोर्ट टिल नाउ, और अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स कर चुके हो, और व्हाट इज द रोड अहेड, मींस मे बी सम काइंड ऑफ अ वीकली टारगेट. एक वीकली टारगेट अच्छा रहता है ना, तो इसलिए मोस्टली लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. दो चार जने ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया. So that is also a little bad. So I hope now you will start doing that also. ठीक है ना? कुछ कुछ queries आया हुआ है. I have answered some of them and I'm also in the process of answering more of them. मुझे पता है कुछ कुछ doubts इकट्ठे हो रहे हैं, कईयों के individual doubts हैं, कईयों के common doubts हैं और ठीक है. I have that in my mind. Don't worry. आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम प्रोग्रेस करते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में, देन वी विल कीप वन और टू डेज फॉर डाउट्स. बट बिफोर आई स्टार्ट, वन मोर फाइनल अनाउंसमेंट, एंड दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट वीक आवर सीपीटीज आर स्टार्टिंग. द फर्स्ट सीपीटी विल बी फिजिक्स ओनली एंड दैट इज ऑन वेडनेसडे. ठीक है ना? लाइक नेक्स्ट वेडनेसडे यू हैव योर फर्स्ट सीपीटी. ठीक है, सेम पैटर्न, वन आवर, 30 questions. ठीक है, 1 hour 30 questions, that is the target. Interestingly, for the first test, hopefully there will be no negative marking. No negative
ठीक है, सिलेबस आई ऑलरेडी अनाउंस, तो लाइक आई होप दैट्स नॉट एन इश्यू. ओके, एक दो कॉमन चीज आया हुआ है, जैसे कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स कैसे प्रूव किया जाता है ना. फिर एक आध और भी आया, दैट इज कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है. थोड़ा सजेस्ट इज कीप ट्राइंग, आई मीन आई विल सी मोर ऑफ इश्यूज कमिंग अप लाइक दिस, तो हम इकट्ठे कर लेंगे, डोंट वरी. आई मीन आई एम सीइंग दैट वी आर मेकिंग रिसेंटली गुड प्रोग्रेस. ये जो दो तीन चीजें अटक रहा है ना, एक दो चीजें, तो दे विल ऑल गेट सॉर्टेड आउट, डोंट वरी. कोलिनियरिटी, कोप्लेनैरिटी थोड़ा बहुत तो मैंने वैसे बता रखा है, उस बलबूते जितना हो रहा है उतना कर लो. एडिशनल जो भी एक दो चीजें बताने होंगे, लेट थिंग्स गेट ओवर. मुझे इनफैक्ट सबके मैसेजेस से इतना पता चल गया कि कौन कहां तक प्रैक्टिस किए हैं, तो मैंने जो नया वेक्टर का असाइनमेंट दिया उसको भी टारगेट करो, सॉल्व करो. आई थिंक अराउंड 75 क्वेश्चन देयर आल्सो, तो गेट गोइंग, डोंट वरी. ये जो छोटे छोटे इश्यूज है, किसी को कोलिनियरिटी में देख रहा हूँ मैसेज भी किया और मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कल, तो लाइक कोलिनियरिटी पे कईयों के प्रॉब्लम है, कईयों को कोप्लेनैरिटी पे प्रॉब्लम है, कईयों को इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम है. ठीक है, आई नो, लेट दिस प्रॉब्लम्स रिमेन, डोंट वरी. थोड़ा सा टाइम लो, आई थिंक दे विल पार्टली गेट सॉर्टेड आउट देमसेल्व्स आल्सो एंड पार्टली विल डिस्कस. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर ओरिजिनल डिस्कशन एंड दैट इज आवर असाइनमेंट. हाउ इट या एनीथिंग व्हाट टू से, कुछ बोलना चाह रहे थे? नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब जैसे अभी ये जो वेडनेसडे है ना, परसों है वो नहीं, नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे, आई थिंक 10th हो रहे सर, एक बार चेक करो जरा, 10th है आई थिंक, है ना, एक बार चेक कर लेना. आई होप आई एम राइट. हाँ, आज वर्कशीट डिस्कस करने का एक्चुअली प्लान नहीं है, आज डिस्कस करने का प्लान है कि थोड़ा काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाया जाए. ठीक है ना, लेट्स शेप अप थिंग्स आल्सो. वो जो दो तीन इश्यूज है वी विल ऑल डिस्कस, डोंट वरी. ठीक है ना, अभी थोड़ा सा और टाइम लगाओ इसको. अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट काइनेमेटिक्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पीड वेलोसिटी मोर और लेस कॉम्प्रिहेंसिवली, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सीलरेशन. ठीक है, acceleration means what? Definition is obviously everybody knows, rate of change of velocity. So it is rate of change of velocity. Now as far as two aspects of acceleration are concerned, number one is a instantaneous, yani kisi ek waqt ka acceleration hai na, to wo ho jayega dv upon dt, aur ek ho gaya a average. A average होता है ओवरऑल चेंज, दैट्स व्हाट इट इज v2 माइनस v1 by t. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो which we should actually is what it is. कई बार इसको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं, डेल्टा v by डेल्टा t. ठीक है ना, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन दैट केस a average will also be equal to v by t. So where v means instantaneous. And if no subscript is given, sirf v likh diya, sirf a likh diya, to iska matlab kya hua? Instantaneous ki baat hai. To jaisa agar maan lo started from rest pe kya hoga, fir v1 zero ho jayega. To fir to in that case v2 likhne ka koi sense nahi banta hai, to hum v likh denge. V kya? V instantaneous of that particular moment. Maan lo 6 second baad ya 6.5 second baad tumko average acceleration bata. तुम क्या लिखेंगे? 6.5 सेकेंड बाद का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो दैट वुड बी द एक्सेलरेशन एवरेज. ठीक है, ओके. अब मेरे एक दो सवाल है. नंबर वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, देखो मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया मतलब मैग्नीट्यूड, एंड ए एवरेज. ये हो गया नंबर वन क्वेश्चन. एंड नंबर टू क्वेश्चन इज, इट्स ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, एंड दैट इज ए पॉजिटिव. थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें, क्योंकि हम लोग 2D मोशन तो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिस्कस ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1D मोशन. चलो, ठीक है, 1D मोशन में फायदा क्या होता है, फिर ना हमें कोई वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्लस माइनस से मैनेज कर,
अगर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो हम उसको प्लस रिप्रेजेंट कर लेंगे, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर वेक्टर साइन लगाने की जरूरत है। सो देयरफॉर एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग ओनली इन वन लाइन, जिसको हम लोग 1D मोशन कहते हैं, इन दैट केस वेक्टर साइन अवॉइड भी करते हैं तो भी वेक्टर वेक्टर है। दैट्स अ पर्टिकुलर टिपिकल केस है। बाकी में ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमूव द वेक्टर साइन एंड गेट क्वालिटी ऑफ द वेक्टर। बट 1D में क्या होता है, कई बार हम लोग वेक्टर साइन नहीं लगाते हैं, हम लोग सिर्फ प्लस माइनस से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर आल्सो गोइंग टू डू हियर। इसलिए देखो मैंने वेक्टर साइन लगाया नहीं, जबकि एक्सेलेरेशन वेक्टर है। तो इफ ए इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, एंड इफ ए इज नेगेटिव देन वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स बताना। एक तो इस पे ट्रू फॉल्स बताना है, और पहले वाले में तुमको इनइक्वालिटी बताना है कि यहां इस पे क्या रखें। ठीक है, क्विकली आंसर। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग कमेंट एंड दैट इज फ्रॉम ओम, एंड दैट इज, बट जनरली हम लोग एवरेज तो अलग तरीके से निकालते हैं कि 5-6 क्वांटिटीज होता है, फिर उनको ऐड करते हैं, आया नहीं, उनको ऐड करते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं। इजंट दैट द वे वी डिफाइन एवरेज? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। दैट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी यानी माइनस। ठीक है ना, सो देयरफॉर यू माइट से कि क्या इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग है? द आंसर इज नो। द ओनली डिफरेंस इज दैट एवरेज में इंटरवल जो मर्जी हो सकता है, 2 सेकेंड, 2 घंटा, 5 साल, 5 बिलियन ईयर्स, है ना, और छोटा भी हो सकता है, 1 माइक्रोसेकेंड एंड सो ऑन। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, डीटी विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस हो गया अगर इंटरवल को एकदम बहुत 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 ज्यादा छोटा कर, और एवरेज हो गया जो मर्जी कर, छोटा भी इंक्लूड है और बड़ा तो है ही। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए एवरेज को उस तरीके से इंटरप्रेट मत करो, एवरेज ऑफ क्वांटिटीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक सिंगल क्वांटिटी उसका एक एवरेज वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि उसके ओवरऑल इंप्रेशन, ओवरऑल यू नो यू कैन सी इंपैक्ट इन द मोशन, दैट्स व्हाट वी स्टडी। इसलिए वो सिग्मा वाला नहीं है, ये माइनस करके आता है। ठीक है, चलो अरियंत जैन हैज गिवन द आंसर। अच्छा तो नहीं, और भी लोगों ने आंसर दिया है, लेट मी क्विकली लुक एट दीज आंसर्स। ओके, फर्स्ट इज नो रिलेशन एंड द सेकंड इज ट्रू, दिस व्हाट यशु सेज। ऋषभ आल्सो सेज द सेम थिंग, नो रिलेशन एंड ट्रू। स्नेहा सेज नो रिलेशन एंड ट्रू। ध्रुव सेज बोथ आर फॉल्स। ओके, हाँ ध्रुव हैज सेड कि नहीं, सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं होता है। I have already told that please discuss and think only in terms of 1D motion. Acceleration का impact 2D में क्या होता है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको थोड़ा सा you know फिलहाल साइड में। Let's discuss only acceleration and other quantities only in the context of 1D motion for today. For maybe 5-6 classes later on when we start 2D motion, then of course we'll remove the restriction. आज जो भी आंसर कर रहे हो 1D के पर्सपेक्टिव में आंसर करो। सो ध्रुव, इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर यू कैन चेंज इट। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने क्या बोला है, देखो ट्रू सेकंड का। अच्छा, अरियंत और अंश ने बोला फॉल्स। अरियंत एंड अनुषा ने, सॉरी अरियंत एंड क्या बोलते हैं ये, उन्होंने बोला फॉल्स। तो एक काम करो, ट्रू वाला तो मेजॉरिटी है, ओके। आर्यन ने एक रिलेशनशिप भी, सॉरी एक एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है, एंड दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ओके, मैं एक स्टेटिस्टिक्स बता देता हूं। अभी तक कम से कम ना भी हो तो अराउंड 12-15 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड। अब शायद मैं एक आध छोड़ दिया तो आई डोंट नो। 2 पीपल हैव आंसर्ड, अरियंत और शायद अंश या किसने आंसर किया है, उन्होंने बोला है कि नहीं सेकेंड वाला फॉल्स है, ये वाला।
और बाकियों ने मोस्टली ट्रू बोला। मैं इसका रीजन बताता हूँ। रीजन इज दैट कई बार हम एक्सेलरेशन को थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कई बार हमारे लिए एक्सेलरेशन पता क्या होता है, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर दबा दो, है ना। ये कभी भी हम लोग स्पीड कम करने के लिए नहीं वो यूज करते हैं कोलोक्वियल टर्म्स में, रियल लाइफ के टर्म्स में, अपने आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, हम लोग हमेशा स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अरे स्लो चल रहे हैं, टाइम हो गया, एक्सेलरेटर दबा दो, एक्सेलरेट करा दो, दैट इज व्हाट वी जनरली से। बट इन फिजिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कोर एंड वेरी वेरी फंडामेंटल। So therefore, let me first of all give you the correct answer. The correct answer is that सिर्फ दो ही जने का आया था, and that is false. अब एक काम करो, अरियंत्र ने तो explanation भी दिया हुआ कि false क्यों बोल रहे हैं। एक और जने ने बोला था false, शायद अंश या कोई, तो can you also give me the explanation? अंश थोड़ा सा फटाफट explain कर सकते हो। In the meanwhile, let me pick up example. ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। Example 1, example 2, example 3, example 4. ठीक है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी है माइनस 5 और इसका हो गया सपोज यू नो लेट्स से 20, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया प्लस 5। मैं यूनिट्स किसी का भी नहीं लिख रहा हूं, यूनिट्स ऑब्वियस है, तो लेट्स लीव आउट द यूनिट्स। ठीक है, दूसरा 25 माइनस 10, एक्सेलेरेशन हो गया माइनस 7। ठीक है, और जो है वो फिर हो गया 4 एग्जाम्पल्स, आई थिंक दीज फोर आर, हाँ ठीक है, जिन्होंने दो जने ने एक्चुअली ना आंसर को फॉल्स दिए थे इसका, और बाकी सबने ट्रू दिए थे, तो कोई बात नहीं, सबके लिए एक लर्निंग है, और जिन्होंने ऑलरेडी आंसर दिया वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। अच्छा, अब देखो जरा ये चार्ट ध्यान से देखना, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल, फाइनल, मैंने ऐसे चार एग्जाम्पल्स और उसके बेसिस पे देखो चार अलग अलग एक्सेलेरेशन आए, एक प्लस 5, एक माइनस 7, एक प्लस 4, एक माइनस 5। ओके, इस केस में पहला केस में है ना, पहला केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, चौथा केस में, ये बताओ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जस्ट राइट इट डाउन, आई डी डी आई या जो भी, जल्दी लिखो, जस्ट राइट डाउन आई डी डी आई या आई डी 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 या डी टी आई आई, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। तो I for increase, D for decrease, फटाफट बताओ चारों का क्या, जल्दी बताओ, क्विकली। आई होप यू आर एबल टू सी द चार्ट। ओके, ओम ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। ओके, केतव ने आंसर दिया लेकिन अलग अलग दिया, एक जने ने आई डी डी आई दिया, एक आई डी आई डी दिया। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेरी, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेरी। कई बार पता है क्या होता है कि क्योंकि वेक्टर में साइन लगा रहे हैं हम, तो कई बार हम लोग जब सोचते हैं ना कि ये चीज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम सोचते हैं साइन के टर्म्स। ध्यान रखना, जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, व्हेन वी से डिक्रीज एंड इंक्रीज, वी ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। एंड लेट मी पॉइंट एन एग्जांपल। सपोज मैं कहता हूं कि भाई तुमने लॉकडाउन तोड़ा है, तुम तो बाहर आए हो बिना मास्क पहन के, इसलिए तुमको एक मुक्का तो खाना पड़ेगा। सपोज किसी पुलिस वाले ने तुमको ऑफर दी, ठीक है भाई देखो तुम घर से बाहर आए हो, चलो ठीक है, लेकिन मास्क पहन के नहीं आए हो, तो इसलिए तुमको पनिशमेंट के तौर से एक मुक्का खाना पड़ेगा। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक मुक्का है माइनस 20 न्यूटन वाला और एक प्लस 5 न्यूटन वाला। तो पुलिस वाले ने तुमको ऑफर दिया है,
मुक्का तो खाना पड़ेगा, तुमने लॉकडाउन तोड़ा है, तुमने मास्क नहीं पहना है, तुमको मुक्का तो खाना पड़ेगा। एक ऑफर दे रहे भाई देखो तुमको, या तो मैं -20 का मुक्का मारूंगा और एक +5 न्यूटन का मुक्का मारूंगा, अब कौन सा फेस करना चाहते हो बताओ, -20 या +5? सबने आंसर दे दिया +5। अब अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली काउंट करता हूं और अगर मैं एक सवाल और पूछूंगा कि बताओ 5 और -20 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है या नहीं? तो ऑब्वियसली फिर अगर मान लो कि अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूं कि सपोज कोई कहता है कि तुमको बड़ा फोर्स से मारूंगा यानी ज्यादा फोर्स से मारूंगा और मैं तुमको कम फोर्स से मारूंगा, कौन सा फेस करना चाहते हो? तुम बोलो कम वाला। तो अगर अब एक एल्जेब्रा के स्टूडेंट को बुलाओ, उसको बोलो भाई देखो 5 और -20 में कौन बड़ा है, तो बोले +5 बड़ा है। और जैसे ही फोर्स की बात आ जाता है तो मैं -20 फेस नहीं करना चाहता, मैं +5 फेस करना चाहता हूँ। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम ज्यादा फोर्स फेस करना चाहो कम फोर्स, तो तुम बोलो कम। ये सारा हॉचपॉच हो रहा है ना। इसलिए ध्यान रखना जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय इसका मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है, नॉट साइन। देयरफॉर सपोज एक रोड है, दोनों तरफ रोड है, ए मान लो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है सपोज 40। अब एक जने जा रहा है +40 से और दूसरे तरफ वाले रोड पे एक जने जा रहा है मान लो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 40 बोला है ना, 40, और एक जने मान लो +30 से जा रहा है, एक जने -70 से जा रहा है, तो क्या -70 वाले का चलान नहीं होगा? कि बोले क्या बात कर रहे हो, आपका तो स्पीड लिमिट, मैं तो -70 जा रहा हूं, मेरा क्यों चलान होगा? ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो यानी अगेन द सेम थिंग, वेक्टर क्वांटिटी में साइन लगा रहे हैं क्योंकि उसका साइन रेलिवेंट है। पर जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे या ये बताएंगे कि इंक्रीज है डिक्रीज, इट इज ओनली देयर मैग्नीट्यूड। आई होप दीज एग्जांपल्स हैव सेटल्ड ऑल द कॉबवेव्स ऑफ द मैटर इन द माइंड। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। अब इंक्रीज डिक्रीज का क्या हुआ? इस केस में इंक्रीज हुआ, इस केस में डिक्रीज हुआ, इस केस में डिक्रीज हुआ, इस केस में इंक्रीज हुआ, आई डी टी आई। अब देखो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव इंक्रीज, एक्सेलेरेशन नेगेटिव डिक्रीज, ये थोड़ा लॉजिकल लगता है, ये ऑब्वियस लगता है। लेकिन अगले में देखो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और डिक्रीज और एक्सेलेरेशन नेगेटिव और इंक्रीज। देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल ओनली चेंज। फाइन, अब वो चेंज के वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, वेयर बोथ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन इज इन्वॉल्वड। जस्ट बाय लुकिंग एट एक्सेलेरेशन आई कैन नॉट मेक अ कमेंट। तो देखो एक्सेलेरेशन के दो केसेस हैं पॉजिटिव, तो 20 भी पॉजिटिव है, सॉरी +5 भी पॉजिटिव है, +4 भी पॉजिटिव है, एक में इंक्रीज है एक में डिक्रीज है। तो देयरफॉर अगर वेलोसिटी का इंक्रीज डिक्रीज मेजर करना चाहते हो तो इन दैट केस एक्सेलेरेशन वेलोसिटी दोनों को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर हम कंक्लूड कर पाएंगे नंबर वन। बट देन यू माइट सी तो फिर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशनल चीज हो गया, क्या कोई कुछ जनरलाइज नहीं हो सकता? वो हो सकता है। वो क्या है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम साइन का होगा, इन दैट केस बढ़ेगा। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अगर सेम साइन का होगा, इन दैट केस बढ़ेगा, और अगर ऑपोजिट साइन का होगा तो डिक्रीज होगा। वो भी रुको, प्रॉब्लम है, अगर ऑपोजिट साइन का होगा तो डिक्रीज थोड़े देर के लिए होगा। देखो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक सेंटेंस में नहीं तो बहुत सारे मीनिंग निकल आता है। अब बोलो ये थोड़े देर के लिए क्या मतलब हुआ? देखो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पहले तो घटेगा लेकिन फिर बढ़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी साइन बदलना है या नहीं। जैसे मान लो एक सिंपल सा केस ले लो, सपोज वेलोसिटी है 20 और एक्सेलेरेशन मान लो है -10, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये v0 है 20 +20 एक्सेलेरेशन -10, तो अगर v1 करोगे तो 10, v2 करोगे तो 0, v3 करोगे तो 10 -10, फिर v4 करोगे तो -20 और फिर v5 करोगे तो -30। देखो शुरू में घटा, देखो 20 से 10 हुआ, 0 हुआ, इवन -10 भी तो कम ही है, घटा तो नहीं बट -10 कम तो है ही ना। फिर -20 अभी बराबर हुआ, कम तो नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया था, एंड सो ऑन। सो देयरफॉर एक्सेलेरेशन हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन एंड इट्स विजुअलाइजेशन,
and therefore you have to keep your mind clear about it. नहीं तो कई बार छोटे छोटे इधर उधर के क्वेश्चन में फंस सकते हैं. ठीक है, चलो. ओके, आई होप दैट मैटर इज सेटल नाउ. सो वी कैन नाउ गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कशन. ठीक है ना? However, mind you, we will discuss acceleration again. क्यों? क्योंकि ये जो हमने acceleration discuss किया, ये सिर्फ inadequate नहीं है, ये incomplete भी है. क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम उसको 2D motion में convert करोगे या 3D motion में convert करोगे, in that case, इसमें और nuances आएंगे. क्या आएंगे and all? Well, that we will discover and discuss, you know, when we start with okay. Motion. उसमें और भी चीजें हैं. So that will reflect on when we Now what we are going to do is that we will begin an exercise and an exercise which is going to take some time. An exercise which is going to take some time. But it is an exercise that will actually build your basic fundamentals very strong. Okay? And that is interpretation of motion using graphs. Agar mere se puchoge ki bhai physics mein sabse powerful tool kya hai? तो उसका आंसर ये होगा, सॉल्विंग के लिए इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ्स. दोबारा बता रहा हूं, सॉल्विंग के लिए इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ्स. यानी अगर खुद समझना चाहते हो ना फिजिक्स, तो देखना सबसे पावरफुल टूल है ग्राफ. क्यों? क्योंकि एक ग्राफ प्रॉपरली तुम तब ड्रॉ कर पाओगे और तब इंटरप्रेट कर पाओगे या दोनों ही कर पाओगे व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज फुल्ली क्लियर. कॉन्सेप्ट में 5% भी कमी होगा तो देखना, अगर तुम 25 ग्राफ बनाओगे तो शायद 20 तक तो सही कर लोगे, पर 25 के 25 सही नहीं हो पाए. कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट के कमी जो है उस ग्राफ में, कोई ना कोई ग्राफ में देखना रिफ्लेक्ट. देयरफॉर वी विल स्टार्ट विद ड्राइंग ग्राफ्स. ग्राफ किस चीज का बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे इन फॉलोइंग क्वांटिटीज के. क्योंकि कुछ चीजों का ना बुक्स में कोई अलग सा नोटेशन नहीं होता है, इसलिए मैं अपना नोटेशन यूज कर रहा हूं. तो एक्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर पोजिशन, S is for displacement, L is for distance, and no need to say, T is for time. ठीक है ना? Position और distance हो गया. V are going to use for velocity, क्योंकि speed का अलग से है नहीं, तो मैंने उस दिन introduce कर दिया था. अगर याद करके देखो, L dot is for speed and A is for acceleration. तो basically हम लोगों को जो graph बनाना है वो है quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quantities के graph है. अगर मान लो मैं सबके साथ सबका रिलेशनशिप स्टडी करना चाहूंगा, सबके साथ सबका रिलेशनशिप अगर मैं स्टडी करना चाहूंगा, इन दैट केस मुझे क्या ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, कितने ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे बताओ. हाउ मेनी ग्राफ्स डू आई नीड टू ड्रॉ इफ आई वांट टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरी क्वांटिटी एंड एवरी क्वांटिटी, तो कितने ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे? ओके अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं. 28 का आंसर आया हुआ है. ओके 28, 7, 21, 30, एक ही ग्राफ में सब कुछ बना दो. दैट इज ऑल्सो अ सजेशन. नहीं पॉसिबल लिमिटेड. ओके नाउ देयर आर करेक्ट आंसर्स कमिंग अप. अब करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं. वी नीड अ टोटल ऑफ 21 ग्राफ्स. पहले तो 21 का आंसर दे देता हूं, ऐसे ही मैथमेटिक्स का आंसर है. एंड दैट इज, देखो अगर मान लो ग्राफ बनाना है तो बेसिकली क्या करना है, मैं इन दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लूं तो ग्राफ बन जाएगा. तो अगर मैं उसमें से एक आइटम हूं, यानी मैं चाहे पोजीशन हूं, चाहे डिस्प्लेसमेंट हूं, चाहे एक्सेलरेशन, चाहे कोई, मैं एक आइटम हूं उसमें से, इस लिस्ट में से, तो मुझे या मेरे साथ बाकी जो है उनके साथ मिलाना है, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. जैसे मान लो मैं अगर डिस्टेंस हूं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते. तो अगर मैं अपने आप को एक आइटम मानता हूं तो मैं और कितने लोगों के साथ पेयरिंग कर सकता हूँ? 6 लोगों के साथ. क्यों? क्योंकि 7 लोगों में से मैं ही एक आइटम हूँ, चाहे कोई सा भी आइटम है. तो मेरे साथ मैं अगर अपने आप को एक्सक्लूड कर दू तो क्या बचेगा? 6. तो ऐसे मैं कोई भी बन सकता हूँ. तो इन दैट केस 7 ऑफ द लिस्ट, और मुझे छोड़ दू, मैं अपने आप को छोड़ दू तो 6 बचता है, तो 7, 6, 42. पर इस काउंटिंग में, ये जो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके 42 मिला, इस काउंटिंग में आई एम श्योर कभी कभी ये होगा कि अगर मैं A हूं तो सपोज मैंने L के साथ कॉम्बिनेशन किया, तो कभी मैं L बनूंगा तो मैं A के साथ भी कॉम्बिनेशन करूंगा, और दोनों ही को काउंटिंग किया मैंने इस प्रोसेस में. यानी कितना हो गया? 7 into 6
लेकिन क्योंकि डबल काउंटिंग हो रखा है तो देयरफॉर बाय 2 कर दिया तो 21 हो गया. तो देयरफॉर दैट इज द वे टू काउंट, दैट इज वन वे ऑफ काउंट. यू गेट फर्स्ट. सेकंड वे इज दैट, याद करके देखो, जब हमने बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस किया तो हमने c इंट्रोड्यूस किया था, दैट c इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन. कि कितने लोगों में से तुम कितनों का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, पेयरिंग ट्रिपलेट बनाना है चाहे कोई सा भी, तो होता है कॉम्बिनेशन. कितने का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 7 में से दो 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 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. यानी सेकंड वे ऑफ आंसरिंग इट इज 7c2. और 7c2 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, याद करके देखो, बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज आल्सो इक्वल टू 7 इनटू 6 बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20. हो गया सेकंड तरीका. अब एक थर्ड तरीका देखो. सपोज मैंने टी से स्टार्ट किया तो टी के साथ कितने लोगों का मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 6. अब टी खत्म हो गया क्योंकि टी के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है वो जुड़ चुका है, अब तो दोबारा काउंटिंग करूंगा नहीं. अब एक्स के साथ देख सकता हूं, एक्स के साथ कितने लोग बच गए, 5. चलो भाई अब एक्स वाई का भी लिस्ट से बाहर निकाल दो. अब क्या बचा, एस. एस के साथ कितने और कॉम्बिनेशन है, 4. तो एल, एल के साथ कितने, 3. फिर वी वाले, वी के साथ कितने, 2. एल डॉट वाले कितने, 1. That is another way of doing it. And 6 plus 5, 11 plus 4, 15 plus 18 plus 2, 20 plus 1, 21. Yani equal to 21. So therefore, wo jo 21 ka number hai, usko arrive karne ke liye kai tarike. Theek hai na? I hope you now appreciated all of them. So that is one thing. Theek hai na? Ab un logon ka challenge hai ki hum graphs banayenge. Theek hai? Thoda sa systematically banayenge. To mera ek suggestion hai, jinke ghar mein printer hai, theek hai na? Main ek file bhej dunga group mein aaj. मुझे अगर मैं भूल जाता तो मुझे याद दिला देना. जिनके घर में प्रिंटर है, क्या करना, उस फाइल का करीब करीब 10 तो प्रिंट कराई लो. मैं एक फाइल भेजूंगा, मेरे पास एक बने बना फाइल है जिसमें सारा नोटेशन बना हुआ है, एक्सेल टी वो, सो दैट तुमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अभी क्लासरूम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अभी कॉपी में बना लो, बट मैं वो फाइल भेजूंगा, उसका प्रिंट का करीब करीब 10-12 कॉपी निकाल लेना. अगर बैक टू बैक निकालना चाहते हो नो इश्यूज, पेज बचाओ, है ना. वैसे भी वी शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, टू रिड्यूस पेजेस, तो उनको वो कर लेना, प्रिंट निकाल लेना अगर घर में है फैसिलिटी, नहीं तो हैंड ऑन से मैनेज कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. उसमें क्या होगा, हम सारे टाइप के मोशंस हर टाइप के ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ हाउ वी रियली, हाउ डू आई रियली वांट टू गो अबाउट इट, उसके लिए मैं एक सैंपल दे रहा हूँ सो दैट यू गेट अ फील कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू. कृष्ण ने कमेंट भेजा, सर आज हम लोग 21 ग्राफ बनाएंगे. अरे रुक जाओ, 21 नहीं, 21 इंटू कई सारे. तो थोड़ा आराम से सीट बेल्ट बांध के पेशेंटली बैठो. 21 का नंबर मत समझो, 21 तो एक टाइप का ग्राफ होगा, और वो भी जो फर्स्ट वाला होगा ना, वो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन होगा, इन द सेंस कि उससे तुमको फील डेवलप हो जाएगा कि मैं ग्राफ से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ. ठीक है ना, चलो सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ क्विकली. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशंस में क्या आएगा देखते हैं. ठीक है, तो लाइक लेट मी ड्रॉ एज मेनी एज पॉसिबल. वैसे एक बोर्ड में इतने सारे ग्राफ बनाना आसान टास्क नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, छोटा बना, कोई नहीं, छोटे ग्राफ में भी लगभग मैनेज हो जाएगा. कि समझ में तो आ ही रहा है ना ग्राफ से, इसलिए इसको दिक्कत नहीं. अब इनमें लेबलिंग अगर सिस्टमेटिक नहीं करेंगे ना तो ढूंढते रह जाएंगे कौन सा छूट गया और क्या. तो मैं काम करता हूं, मैं टी से स्टार्ट करता हूं, तो इधर टी, इधर एक्स, टी एस, टी एल, टी वी, टी एल डॉट, टी ए. तो टी वाले खत्म हो गए, अब एक्स वाले, एक्स एस, एक्स एल, एक्स वी, एक्स एल डॉट,
एक्स ए, अब एक्स वाले खत्म हो गए, अब एस से, तो एस एल ठीक है ना, एस वी, एस एल डॉट, एस ए एंड आई थिंक एस वाले खत्म हो गए, अब एल वाले, तो एल वी है ना, कोई छूट गया तो बता देना, एल एल डॉट ठीक है, और एल ए एल वाले होंगे, फिर वी, वी में एल डॉट ए, वी एल डॉट और वी ए, और लास्ट में एल डॉट और ए. अब ये 21 ग्राफ का कॉम्बिनेशन जो मैंने बना ठीक है ना, अब 21 ग्राफ का मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया. अब पहला टॉपिक सुनो कि भाई किस चीज का ग्राफ बनाएंगे, है ना. पहला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा है, बट देन आई वॉन्ट द प्रोसेस टू बी डन प्रॉपरली कंप्लीटली, और इस वजह से काम करो, इस वजह से काम करो. वैसे आई डोंट नो कितने लोगों के तीनों मेथड समझ में आए, मैंने थोड़ा सा हड़बड़ में बता दिया, इसलिए काम करो. सबसे पहला ग्राफ का टॉपिक पता क्या है, बॉडी एट रेस्ट. यू माइट बी फाइंडिंग इट लिटिल बिट फनी, बॉडी एट रेस्ट उसका भी ग्राफ बनता है ना. द आंसर इज यस, बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कुछ ज्यादा ही आसान बनेगा, मुझे ही पता है. बट देन लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस, लेट नॉट जंप द ग्राफ, क्योंकि उसमें देखना एक दो चीजें जरूर तुमको थोड़ा बहुत सीखने को, ठीक है. आई अंडरस्टैंड, बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ आज तक ना कभी किसी एग्जाम में आया है और ना ही कोई एग्जाम में आएंगे, पर आज हम लोग करेंगे, एक दो चीजें शायद सीखने को मिले, लेट्स सी, ठीक है. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गर्व, एंड दैट इज, क्या जो आप फाइल भेजोगे उसमें सारे ग्राफ्स है? बेटे उस फाइल में क्या किया मैंने, इस सारे ग्राफ्स, और वो भी एक पेज में, डोंट वरी. तो एक पेज अगर हो गया ना, तो तुम उसका प्रिंट निकाल लेना, अपने आप हेडिंग डाल देना, जैसा भी बॉडी एट रेस्ट है, कल को बॉडी विद एक्सेलरेशन होगा, फिर ये होगा वो होगा, अलग अलग टाइप के ग्राफ होगा, तो हम ड्रॉ करेंगे किट करके और हेडिंग डाल देंगे और उसको ग्राफ में ड्रॉ, उससे कर तुम्हारा टाइम बच जाए और कोई बात ठीक है ना. और अगर मान लो नहीं आती, दैट केस फटाफट फटाफट ऐसे करके अगली टेक्स्ट टाइम, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट, अगर हो सके और अगर मन कर रहा है तो इन दैट केस मे बी यू कैन सेंड इट अक्रॉस, आई डोंट माइंड इफ यू वॉन्ट टू सेंड. लेकिन अगर भेजोगे तो वो 9555 वाले में भेजना, क्योंकि 8368 वाला अभी यूज हो रहा है फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है ना. चलो फटाफट ड्रॉ कर लो, सिस्टमेटिकली ड्रॉ करना, पहले टाइम वाले, फिर एस एक्स वाले, फिर एस वाले एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स, मे बी 2 मिनट्स, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है. ये इनॉग्रेशन है, ये स्टार्टिंग है, तो ऑब्वियसली ये कोई ज्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, हर चीज को मुश्किल आसान नहीं बनाते. इसमें आई एम श्योर वी विल लर्न अ बिट ऑफ थिंग्स, एक दो चीजें जरूर हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है ना. श्योर, इसमें एक जगह प्रॉब्लम आता, दैट इज दैट लाइट. चलो सो एल और एक्स क्या है? एल इज डिस्टेंस, एस इज डिस्प्लेसमेंट, और एल डॉट हो गया स्पीड. और मैंने पहले ही बता रखा है दैट कोई अगर चीज मेंशन नहीं है तो यानी इंस्टेंटेनियस. जैसे हो सकता है बोलोगे भाई वी क्या है, कौन सा वेलोसिटी, कुछ नहीं बताया गया, मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना. चलो गो अहेड. एक्चुअली देखो कायदे से देखा जाए तो ग्राफ में ये सब भी होने चाहिए, ये 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 ये, बट ठीक है, वी आर जस्ट लर्निंग, ये सब छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज कैन बी डन लेटर ऑन. और जो मैंने फाइल बना रखा है उसमें तो ये सब चीजें ऑलरेडी है, इसलिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट निकाल लेना. ठीक है, आई होप बाय नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन ऑल द ग्राफ्स एंड ऑल्सो हैव स्टार्टेड ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स. तो अगर भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, क्योंकि इसमें तो भेज नहीं पाओगे, ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एटलीस्ट वन और टू रिस्पॉन्सेस सो दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग. आई अंडरस्टैंड बॉडी एट रेस्ट थोड़ा ज्यादा आसान है, बट उसमें भी देखना एक दो चीजें हैं जहां पे
you need some information. Okay? So we will clarify that. And some discussion also. चलो आई थिंक नाउ लेट मी स्टार्ट. ओके डन. कई उन्हें बोलना शुरू कर दिया कि आई हैव डन इट ऑलरेडी. फाइन चलो लेट मी स्टार्ट. मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ग्राफ्स को थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूं. वो है एक्स वाले ग्राफ. अपार्ट फ्रॉम एक्स लेट मी ड्रॉ ऑल ऑफ देम. ठीक है, क्योंकि बॉडी एड्रेस्ट है तो कुछ हो ही नहीं रहा, बैठा हुआ है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी दिस. ठीक है, यानी एक्स एक्सिस which you can also call as time axis. Distance भी वही होगा, velocity भी वही होगा, speed भी वही होगा, acceleration भी वही होगा. So there is not much to do in this. These are too easy, है ना? तो ये graph हो गया. अब वो actually पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा. Maybe I will try with a different chalk if it helps. Fine. तो ये आ गया जो है graphs. चलो अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट. अच्छा हाँ, ये तो एक्स वाले. तो एक्स वाले मैं अभी फिलहाल पोस्टपोन कर रहा हूं. ऑल एक्स वाले ग्राफ्स जो है अभी फिलहाल मैं पोस्टपोन कर रहा हूं. अब आ जाओ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. देखो बॉडी रेस्ट पे पड़ा हुआ है ना, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया ना उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो द ग्राफ विल बी ओनली वन सिंगल पॉइंट. ऐसे इसमें तो चलो लाइन बना क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है. भले ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना बने बट टाइम तो बन रहा है ना. तो देयरफॉर टाइम एक्सिस पे एक लाइन बन गया. लेकिन ये तो डिस्टेंस भी नहीं बना, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बना, तो क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट. तो देखो इट बी जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल पॉइंट. और ये सिंगल पॉइंट वाले अब सारे क्यों? क्योंकि ना वेलोसिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, ना स्पीड है ना डिस्प्लेसमेंट, ना एक्सेलरेशन ना डिस्प्लेसमेंट, ना वेलोसिटी ना डिस्टेंस, ना स्पीड ना डिस्टेंस, ना एक्सेलरेशन ना दिस. सो देयरफॉर ऑल दीज ग्राफ्स विल बी पॉइंट्स. ओके, यानी ओरिजिन वो भी. ओके, तो यानी सारे हो गया सिंगल डॉट्स एट द ओरिजिन्स. अब रह गया एक्स वाले ग्राफ. अब एक्स वाले ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि देखो एक्स क्या है? पोजीशन. माइंड यू बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन मैं ग्राफ किस चीज का बना रहा हूं? पोजीशन का. पोजीशन तो कुछ भी हो सकता है. इन द सेंस कि सपोज आई एम द ओरिजिन. ये काम करो, चलो ठीक है इधर ही फेस करता हूं, कोई बात नहीं. सपोज आई एम द ओरिजिन. इफ ए बॉडी इज लेट्स से 6 meters अहेड ऑफ मी and it is at rest, तो मेरे हिसाब से यानी observer के हिसाब से position क्या हो? Plus 6. But you might say yes, plus 6 वाला information आपको कैसे पता चला? है ना? तो मैं बोला बिल्कुल बात सही है, plus 6 होना कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कि body यही पड़ा हुआ है, यानी उसका position क्या हुआ? 0. हो सकता है कि वो 10 meters पीछे पड़ा हुआ है, क्या पता. तो अगर 10 meters पीछे है तो in that case उसका position हो गया -10. यानी उसका position +6 या ऐसे भी कुछ values हो सकता है, +6 +12 +14 कुछ भी हो सकता है. ऐसे ही माइनस भी हो सकता है, -10 -12 -5 -7 कुछ भी, और 0 भी हो सकता है. यानी इस ग्राफ में आई एम नॉट श्योर. तो इस ग्राफ में आई एम नॉट श्योर वेयर द बॉडी इज, देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ डेफिनेटिव ग्राफ. क्यों भाई? इंफॉर्मेशन दो, कुछ बताने ग्राफ ड्रॉ करो. अरे पहले बताओ तो किस चीज का ग्राफ है. चलो भाई वीटी ग्राफ ड्रॉ करो. अरे कुछ डेटा तो बताओ, कैसे वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अलग अलग टाइप के वेलोसिटी होते हैं. कोई ऐसा थोड़ी कि पाई का वैल्यू प्लॉट करो तो चलो ठीक है पाई का तो डेफिनेट वैल्यू है. ये तो डेटा पे डिपेंडेंट है. सिमिलरली यहाँ पे भी डेटा डिपेंडेंट है, इसलिए हम डेफिनेट ग्राफ नहीं बना पाएंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ बनाएंगे. मतलब क्या? जैसे एक्सटी ग्राफ अगर बनाना होगा तो मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा, एक ये, एक ये और एक ये. सो मैं इसे 3, मतलब 3-3 ग्राफ कैसे हो जाएगा? ग्राफ तो एक ही होना चाहिए. ग्राफ एक ही होगा. इट इज जस्ट दैट ग्राफ विल बी वन ऑफ दीज 3. तो लेट अस से बॉडी अगर आगे होगा तो ये वाला ग्राफ हो गया,
ए, बॉडी ओरिजिन पे है तो बी, और बॉडी अगर कहीं ओरिजिन से पीछे है, पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, तो ये हो गया सी। यानी मैं फाइनली ये बताने वाला हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे कोई डेफिनेट आंसर मैं इस वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेटा सप्लाइड नहीं है, डेटा प्रोवाइडेड नहीं है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि इन्हीं तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ग्राफ होगा। तीनों तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं, एक टाइम पे तीन अलग अलग पोजीशन कैसे हो सकता है, लेकिन इनमें से एक ग्राफ। अब देखो एक्स ग्राफ वाले ग्राफ में ये एक चैलेंज कि हमें डेफिनेट पता नहीं है, तो यानी वो चीज फिर दूसरे ग्राफ में भी होंगे। जैसे अब मान लो मैं हाँ इस पे आता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो हुआ लेकिन पोजीशन का तो अलग अलग वैल्यूज हो सकता है, इसलिए तीन अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करता हूं, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यानी ये हो गया ए, बी फॉर ओरिजिन, सी फॉर नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। सिमिलरली अब तीनों सब सब में ऐसे होता है, अब कोई दिक्कत, ए बी सी, अब ग्राफ में एक्स में यही रहेगा बस, और कोई बात नहीं है, बस इतना ही था। सो दैट एंड्स द डिस्कशन ऑन ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, ए बी सी, बस हो गया। यानी अब क्या हो गया, बॉडी एट रेस्ट की जो भी चीजें पॉसिबिलिटी है वो सारा हमने प्लॉट कर दिया, कुछ पांच छह ग्राफ्स जो है तुम्हारा लाइन बने, और बाकी तो सारे पॉइंट्स जहां पे यूनिक वैल्यू हमें पहले से मालूम है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, तो वहां पे सिंगल पॉइंट हुआ, और जहां पे थोड़ा सा इंडेफिनिट सा है तो वहां पे हमने तीन ग्राफ बना दिया, तीन पॉइंट्स बना दिया, तीन लाइंस बना दिए। अब ये यूजर के ऊपर है कि जैसे वो डेटा सप्लाई करेगा तो मैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर को रख के बाकी दोनों मिटा दूंगा। ये मैं पोजीशन वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे डेफिनेट ग्राफ्स। ओके चलो, नाउ दैट्स द एंड ऑफ बॉडी एट रेस्ट, सो दैट बिगिंस द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज बॉडी मूविंग विथ, है ना, कॉन्स्टेंट, ये हो गया सेकेंड, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोलूंगा तो एक प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और अकॉर्डिंगली जो है ग्राफ अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब जो है तुमको, अभी तो लाइट का प्रॉब्लम है, अब ये ढकूंगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर मुझे यहां से ढकना पड़ेगा। चलो इंटरेस्टिंग है ना, तो ढक के तभी रख सकते, बट एनीवे आई होप कि रीड कर पा रहे हो, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। अब इन ग्राफ्स को दोबारा बनाओ, अब हम ज्यादा नहीं करेंगे, मैं भी एक दो ड्रॉ करेंगे, एक दो इन द सेंस की एक दो सेट, है ना, एक सेट तो ऑलरेडी हो गया, एक दो और सेट ड्रॉ कर लेंगे, दैट वुड बी गुड एनफ फॉर टुडे, देन वी कैन मूव ऑन टू यू नो नेक्स्ट डिस्कशन, ठीक है। चलो फटाफट कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का ड्रॉ करो, और ध्यान रखना पोजिशन वाले में फिर तीन बनाने पड़ेंगे एक एक ग्राफ में, उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, बाकी यू कैन ड्रॉ इट क्विकली। चलो गो अहेड क्विकली ड्रॉ, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटा दूंगा, या तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बना देता हूँ एटलीस्ट कुछ ग्राफ्स, सो दैट इसका भी फायदा हो जाएगा। लाइक दिस इज द वन ग्राफ, टू ग्राफ्स, थ्री ग्राफ्स, फोर ग्राफ्स, चलो फटाफट मैं वो करता हूँ। किसने वैसे भेजा नहीं है व्हाट्सएप में, तो किसी ने नहीं भेजा अभी तक, नहीं किसी ने नहीं भेजा, ठीक है। सो लेट मी आल्सो ड्रॉ द हेडिंग्स फर्स्ट, टी विथ एक्स,
ds dl dv dl dot d acceleration. फिर x वाले आ जाएंगे xs xl xv xl dot x a. फिर s वाले s का l s का v s का l dot s का a. L dot V with S के बाद L बनाया L के साथ V L के साथ L dot L के साथ acceleration V के साथ L dot के साथ V combination the one guy. I hope by now you must have managed to draw a little bit. चलो हम तो किसी ने भेजा नहीं, अब मैं इनको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ. मे बी एक अलग कलर का ले लेता हूँ. एज यूजुअल पहले मैं एक्स वाला तो ड्रॉ करूंगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एस. कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी मैं ग्राफ ड्रॉ. ठीक है, पहले बताओ ये ग्राफ सही है गलत है या yes. First of all, tell me whether this graph is okay or not. Can anybody comment? ये graph सही है गलत? Okay. एक answer is that maybe direction of S is not known. और वैसे भाई जब मैंने एक चीज तो बताया हुआ है, पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए. ओके, ध्रुव ने आंसर बताते नहीं ये तो गलत है. ओके, गलत है बता रहे हो, चलो ठीक है. अच्छा ध्रुव ये बताओ इसमें गलती क्या है. अर्नव सेड इनिशियल एस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, सो दैट मीन्स देर आर मोर पॉसिबिलिटीज. यानी इसके अंदर भी कई सारे ग्राफ बनाओ पहले. चलो दैट्स अनदर रिस्पॉन्स, चलो ठीक है. ओके, ऋषभ ने भी मना कर दिया कि नहीं ये तो गलत है. नहीं, एक तो यस और नो बोलने से आप कंफ्यूजन हो, क्योंकि आप मैंने दो तीन कमेंट कर दिया. इसलिए काम करो, आंसर अगर कर रहे हो तो इस टाइप आंसर करो, यस दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, नो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, तब मैं समझूंगा. क्योंकि अदरवाइज मैंने दो तीन कमेंट कर दिया, अब पता नहीं किसके लिए तुम यस कर रहे हो किसके लिए नो, तो सिर्फ यस एंड नो मत भेजो. ओके, गर्व सेट की नहीं ये ग्राफ ठीक है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटीज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. चलो ठीक है, वन कमेंट. अर्यन सेज इट सीम्स टू बी इनकम्प्लीट बट पॉसिबल. ओके फाइन, ठीक है. ओके, क्रिश सेज की पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत है, व्हाई शुड बी देयर बीन इशू. ओके चलो ठीक है, अब एक चीज सुनो. These are small, small things. That's why I always say that learn from small, small things because they are the best teachers. छोटी छोटी चीजें जो होता है ना, in any subject है, चाहे वो economics हो, geography हो, वो हो, उसी से देखना धीरे धीरे learning का amount पड़ता है. एक चीज जरा बताओ, what is the definition of displacement? देख रहे हो, इतना कुछ करने के बाद मैं क्या पूछ रहा हूँ,
मैं पूछ रहा हूं डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस का डेफिनेशन, लेकिन वो लंबा चौड़ा वाला मत देना कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, ना मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। और दे हमने बोला ठीक है आपने जो ग्राफ बनाया वो तो सही है, लेकिन और भी बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक्स में कई सारे बनाए कि पता नहीं कौन सा केस है, आपने कुछ डिटेल तो दिया नहीं है, ऐसे इस वाले ग्राफ में भी कई सारे बनाई है, फिर बताए कि देखो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। देखो अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। नो नो नो, यशु स्टेटमेंट नहीं चाहिए, स्टेटमेंट तो यार बहुत साल हो गया, छोड़ दो स्टेटमेंट, मैथमेटिकल बताओ, क्योंकि उसी से स्टेटमेंट से तो देखो, देखो सब लोगों को स्टेटमेंट पता है। मैं अगर यहाँ पे बैठे हुए कितने जाने हैं, यहाँ पे बैठे 41 स्टूडेंट्स है, मैं अगर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछूंगा तो 39 देखना सही देंगे, और 40-41 वाले भी सही देंगे, बट हो सकता है कि थोड़ा लैंग्वेज इशू आए, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, इसलिए सबको मालूम है। पर डेफिनेशन मालूम होने से उसका मीनिंग भी पता है, ये गारंटी है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ जी, लाइन एक डेफिनेशन प्रॉपर आया, ये है आयुष, उसके पहले आया लाइन सेगमेंट पे, बेटे लैंग्वेज तो चाहिए ही नहीं। वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट वगैरह ध्रुव ने बताया, बेटे ये डेफिनेशन चाहिए नहीं, मैंने बोला मैथमेटिक्स बताओ। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बोला, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्चुअली इसमें वेक्टर भी लगाना चाहिए, एक्चुअली वेक्टर भी लगाना चाहिए, और मैंने पहले ही बोला कि 1D मोशन में वेक्टर साइन लगाए बगैर भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट इज यूनिक टू ओनली 1D, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस से हमारा कंप्लीट काम चल जाता है, फिर काहे लगाना है उधर एरो शेरो लगाते नहीं। चलो ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, आप सागरिका ने बिल्कुल दे दिया। अब एक चीज बताओ, तो ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? टाइम का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आई एम सॉरी, टाइम का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, डेफिनेशन तो है, वैल्यू नहीं है, क्यों? टाइम कैसे बताओ तुम बोलो, क्यों? घड़ी देख के बताओ। देखो घड़ी से मोशन का क्या लेना लेना देना, कोई मोशन 9 बजे स्टार्ट हो रहा है और कोई मोशन 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, और मान लो अगर मैं टाइम पूछूंगा तो तुम वो 9 और घड़ी वाला टाइम बताओगे या बोलोगे अभी तो शुरू किया, और अगर मान लो 11 बजे मैं पूछूंगा तो आंसर क्या होगा, एक का 2 घंटा, एक का 1 घंटा, क्यों? क्योंकि एक 9 बजे स्टार्ट किया था, एक 10 बजे स्टार्ट किया था, मैंने 11 बजे पूछा भाई कितना टाइम हो गया मोशन का, तो क्या तुम बोलोगे 11 बज रहा है? नहीं, तुम क्या बोलोगे भाई देखो ये वाला बंदा 9 बजे स्टार्ट किया था इसका मतलब 2 घंटा हो गया, ये वाला बंदा 10 बजे स्टार्ट किया तो 1 घंटा हो गया, दैट्स द वे वी मेजर टाइम ना, यानी फिजिक्स में देख रहे हो टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 पे आओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज दैट, क्या डेफिनेशन है फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट डू मीन बाय दिस? What is meant is that जिस समय तुमने टाइम मेजरमेंट शुरू किया, वो घड़ी में 11 बज रहा है या 10 बज रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिस समय तुमने घड़ी को ऑन किया उसको मैं इनिशियल बोलेंगे, है या नहीं? और जब भी कभी आगे 5 सेकंड 10 सेकंड बाद एंड ऑल दोस थिंग्स उसको फाइनल बोलेंगे, है या नहीं? देयरफॉर ये बताओ कि मान लो मैंने घड़ी को जस्ट ऑन किया, घड़ी मतलब लेट्स से मेरे पास एक स्टॉपवॉच है, और मान लो एक बंदा जो है 7 मीटर आगे, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इनिशियल इक्वल टू 7। तो ध्यान से सुनना एग्जांपल, फिर से बताता हूं, सपोज आई एम द ऑब्जर्वर, 7 मीटर आगे एक बंदा स्टार्ट कर रहा है, या इस वक्त उसका पोजीशन 7 मीटर, तो यानी टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पे, अब वो घड़ी में 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, 11 बज रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा स्टॉप वॉच मेरा टाइम, वो घड़ी से कोई लेना देना नहीं, तो मैंने स्टॉप वॉच को जस्ट ऑन किया, स्टॉप वॉच में देखा ऊपर एक हैंडल होता है उसको ऑन कर दो तो ऑन, स्टॉपवॉच को ऑन किया उस समय इसका पोजीशन क्या है 7। एक चीज बताओ, अगर मैं उसी वक्त, ध्यान से सुनना, अगर मैं उसी वक्त बोलूंगा मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या करोगे, तुमको उसी वक्त का फाइनल पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर मैं 5 सेकंड बाद पूछूंगा तो एक्स इनिशियल तो 7 हो गया, एक बार इनिशियल 7 हो गया, अब वो बदलेगा नहीं, अब वो 5 सेकंड बाद कहां पे है वो देखूंगा मैं, फिर मैं माइनस करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगा, पता नहीं क्या आएगा, प्लस माइनस जीरो मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ आएगा। लेकिन अगर तुम इतना इंपेशेंट हो कि बस मैंने घड़ी ऑन किया था जिस समय x इक्वल टू 7 इनिशियल है, अगर उसी इंस्टेंट में पूछ लोगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट में बताओ तो क्या करूंगा, उसी को मुझे फाइनल लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्यों? कि तुम ही इतना इंपेशेंट हो तो मैं क्या करूं,
तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे उसी वक्त का डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी क्या होगा, अगर मान लो t इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट पूछोगे, इन दैट केस क्या करूंगा मैं, जीरो बताऊंगा, यानी एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एज पर द डेफिनेशन, ध्यान रखना। इसलिए ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है, ग्राफ जो है मैं बल्कि ड्रॉ करके इसको काटूंगा, सो दैट याद भी रहे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ, ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अब वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर, कोई बात नहीं, मैं इसको 50 ग्राफ नहीं बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा और मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख दूंगा, एंड दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, कि ग्राफ कितना स्टीप है उससे मैं एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूं जो कि तुम लोगों को मालूम है, इसमें मैं क्या बताऊं, तो यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये चीज हो गया, ठीक है। चलो, घर ने एक और रीडिफाइन किया था, दैट इज एन इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, चलो ठीक है, वो सब तो टाइम का इट्स फाइन हमें, बट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो सकता है, ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है। हाँ, अब क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी बोला तो इसलिए ये वाला हो जाएगा, नेगेटिव बोला हो तो इधर चला गया, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज नॉट एन इश्यू, है या नहीं, तो ये हो गया। तो ये जो चीज है ये काट दिया मैंने, ध्यान रख, मैंने ड्रॉ करके ऊपर वाला काटा है, दैट ये भी याद रहे कि ये तो होगा ही सिर्फ नहीं बल्कि ये नहीं होगा, तो कई बार नहीं होगा इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अब एक चीज बताओ, इन वन डी मोशन, टू डी मोशन भूल जाओ अभी थोड़ा देर पहले, इन वन डी मोशन कैन आई कॉपी दिस ग्राफ इन टू द अदर वन, तो मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि एल टी ड्रॉ करो, मैं कह रहा हूं क्या मैं इसको कॉपी कर दू, क्या मैं इसको कॉपी करके यहां पे लगा दूं, यस और नो, ओके ऋषभ ने तो यस कह दिया, क्या मैं इसको यहां पे कॉपी कर दूं, ओके अब सबने यस कर दिया, ठीक है ना, चलो ठीक है सबने कर दिया, अरियंत देहम ध्रुव देव आदित्य उदित्य सबने कर दिया, अभी रुको रुको बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है ठीक है, यस नहीं वो सबने यस बोल दिया, क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं हर वक्त हमेशा इस ग्राफ को इसमें कॉपी कर सकता हूं, क्या मैं इस ग्राफ को इसमें कॉपी कर सकता हूं, सिर्फ यस और नो मत बोलना, कुछ क्वालिफाइंग भी बताना कि यस बिकॉज दिस या नो दिस या यस तब नो तब, ये आंसर दे जल्दी, ओके आंसर है नो बोला बेटा, नो आंसर नहीं चाहिए, नो विथ समथिंग एल्स, कि नो क्यों या यस है तो यस क्यों या कब, किसी का शायद माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो, ओके अरियन बोला नो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, तो फिर नो मत बोलो ना, फिर तो यस और नो दोनों हुआ, कि यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, देखो नो बोलने को तो तुम पूरा ही मना कर, ऐसे भी नहीं है, कभी यस कभी नो, शायद ये बोलना चाहते, चलो ठीक है, अगर बोला नो सर डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ये भी एक लॉजिक है, ठीक है, और कुछ जल्दी, ओके केतव ने बोला नो व्हेन देयर इज नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके ये भी एक और इंटरप्रिटेशन है, चलो ठीक है ठीक है, अंश ने बोला कि नहीं अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो कैसे हो पाएगा एंड ऑल, चलो ठीक है, एक्चुअली क्या ना हम डिस्कस कर रहे हैं विथ इन जनरल वन डी मोशन का ना कंटेक्स्ट इज 1D, चलो ठीक है, लेट मी आंसर दिस, फर्स्टली एसटी ग्राफ के, थोड़ा सा मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, एसटी ग्राफ के वो सारे पोर्शंस कॉपीएबल होगा जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना, यानी अगर मान लो जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो कॉपीएबल हो जाएगी, पर नेगेटिव है तो कॉपीएबल नहीं होगा, है नहीं, तो अगर मान लो वेलोसिटी पूरा पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पूरा पॉजिटिव है तो कॉपीएबल, और मान लो शुरू में पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है तो वो शुरू में पॉजिटिव वाला पोर्शन कॉपीएबल, लेकिन नेगेटिव ऑनवर्ड्स फिर कॉपीएबल नहीं होगा, ठीक है, आई गेट आर यू गेटिंग इट, तो ये चीज है,
बट अभी जो कॉपीएबल नहीं होगा उसमें भी इश्यूज है क्या, कि ग्राफ का नेचर सिमिलर होगा, सिर्फ मिरर इमेज काइंड ऑफ होगा और ऊपर नीचे, ठीक है ना। अच्छा ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लगा होगा ये क्या बोल दिया, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, मान लो शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव थोड़ा देर के, तो वो पोर्शन तो पूरे कॉपीएबल होगा। मान लो उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता, सपोज, तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता है तो दैट केस क्या होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फिर नीचे आना शुरू करेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेच है, वो जो नेगेटिव वाला स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच सिमिलर होगा इन द एलटी ग्राफ, बस मिरर इमेज होगा, सिमिलर होगा योर स्ट्रेच सिमिलर होगा बट इट विल बी द मिरर इमेज, ठीक है, लेकिन पोजीशनिंग अलग हो सकता है। जैसे अभी अगर मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हम या वैसे तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा ये चीज, पर चलो कोई नहीं, शुरू हुआ तो थोड़ा सा डिस्कस कर ही देते हैं। दैट इज सपोज थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव, ओके, उसके बाद मान लो वेलोसिटी नेगेटिव, राइट, तो क्या होगा, इसमें भी ये वाला पार्ट तो कॉपीएबल है, चलो भाई कॉपी कर दिया, फिर पता है क्या होगा, इसका थोड़ा स्लोप अलग ऐसे, फिर पता है क्या होगा, जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ये पॉजिटिव जाएगा, यानी यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव, यानी इस ग्राफ का मिरर इमेज देखो ऐसे। तो देयरफॉर इफ यू हैव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देन यू कैन मैनेज टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बस ये कि जितने पॉजिटिव स्ट्रेचेस है उनको एज इट इज कॉपी करके ग्राफ के सामने रख दो, ठीक है, थोड़ा इनिशियल पॉइंट अलग करना पड़ता है, और जो नेगेटिव स्ट्रेचेस है उनमें मिरर इमेज करके रेलिवेंट जगह पे ड्रॉ कर। तो मैंने ये जो डिस्कशन किया है रिलेशनशिप बिटवीन एसटी एंड एलटी ग्राफ थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, बट आई हैव गिवन यू सम फूड फॉर थॉट, जो कि और हम डिस्कस करेंगे आगे जब और क्रिटिकल केसेस आएंगे। अभी तो बहुत सिंपल केस है इसलिए बहुत एग्जॉस्टिव डिस्कशन हमने अभी नहीं किया, बट एक थॉट प्रोसेस के लिए कुछ चीज बता दिया विच यू कीप ऑन थिंकिंग। अभी अगर थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है मेरे स्टेटमेंट पे, doesn't matter, देखना हम इससे और कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे जिस समय क्लियर होते, इसलिए रहने दो। चलो लेट्स कम बैक टू द ग्राफ, नहीं तो ग्राफ ही खत्म नहीं। तो इस केस में तो एवरीथिंग इज कॉपीएबल है या नहीं, अंश ने एकदम सही सवाल पूछा, ये जो आपने मिरर इमेज बोला इसका मतलब क्या ना, मिरर इमेज ऑफ दैट स्ट्रेच, लेकिन कहां पे वो मिरर इमेज वाला चीज जुड़ेगा वो एक इश्यू है, वो थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा भी दिमाग में ये रखो कि एसटी ग्राफ अगर मिल जाए तो हम एलटी आराम से बना सकते, बस इतना ही, और उसके लिए मुझे कोई एडिशनल डेटा नहीं चाहिए, एसटी ग्राफ पता है मतलब एलटी ग्राफ भी पता है, उसको यूज कर करके हेल्प ले लेके हम कर सकते, ये चीज ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉपी और मिरर इमेज और फिर प्रॉपर जगह पे सेट करना, ये दो तीन चीजें करेंगे तो हो जाता, ठीक है, बाकी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बट आई हैव गिवन यू सम इनिशियल बर्स्ट ऑफ थॉट कि इस पे सोचो, कभी और बेटर डिस्कस करें। चलो ठीक है, वीटी, वीटी तो आसान से हो गया, कोई बात नहीं है, तो पॉजिटिव है तो लाइक यार यूनिफॉर्म है। एलटी, एलटी ग्राफ में भी वही चीज होता है, जो जो पॉजिटिव पार्ट है वो एज इट इज और जो नेगेटिव वेलोसिटी होगा वो मिरर इमेज, बस दैट्स इट। यानी इस केस में तो कॉपीएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एस एक्स अब क्या होगा, Sx, Soma has said, can you please explain that mirror image वाला part? आज का टाइम क्या हो रहा है? ओह अच्छा, unfortunately देखो टाइम तो खत्म हो गया, एक काम करो कल ना मैं मिरर इमेज वाले पार्ट से ही शुरू करूँ, आज जो है इसको वाइंड अप कर देते, ठीक है ना। फटाफट मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। Sx में क्या होगा, देखो इस केस में फायदा क्या ना, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, लेकिन पोजीशन में दिक्कत है ना, तो इसलिए एस एक्स में मुझे तीन ग्राफ बनाने पड़ेंगे, या एक काम कर एक्स वाला पूरा छोड़ दो, आज टाइम खत्म हो गया, ए वी का बनाता हूँ, इसमें भी तीन, एक्स में तो सब में तीन बनाना है, तो चलो कल बनाएंगे। ए वी का ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया ए वी का ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी है ए नहीं। एल एस, एल एस क्या होगा, वी एस क्या होगा, वी तो पॉजिटिव है कॉन्स्टेंट, एल डॉट एस ये आ गया, ए एस आ गया, ठीक है, वी एल क्या होगा, वी एल सॉरी, ठीक है, एल डॉट एल ये होगा, ए एल ये हो गया,
ठीक है, ये L dot और V, यानी सिंगल पॉइंट, ठीक है, सेम वैल्यू, और AV तो और ये हो गया L dot, एक पॉइंट बना, तो ये इसको कल ड्रॉ कर ले, A और X को जो है ना कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, इस पॉइंट के बाद फिर लाइन बनाना है, तो X वाला भी रहने दो, X वाला शुरू किया था फिर मैंने छोड़ दिया, एक आध छूट गया, एक्स वाला छोड़ दो, एल एस छूट गया, एल एस क्या होगा इस केस में, एल एस होगा ऐसे और ये 45 डिग्री, ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेरी है तो बता दो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम है, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड ड्राइंग दिस। इसमें देखा होगा कि कुछ नुएंसेस है, आई नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉजिटिव टू इजी अ केस, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं जो कि समझने लायक है, सीखने लायक, तो इनको एक बार पूरा बनाओ। तो एक काम करो, अब मैं एक होमवर्क भी दे देता हूं, होमवर्क इज एक तो इसको कंप्लीट करो और सब लोग सेंड करो मुझे, पता नहीं मुझे कितना टाइम मिलेगा चेक करने के लिए, बट एटलीस्ट मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ कौन क्या सोच रहा है, कभी भी मौका मिले मैं देखूं। एक होमवर्क हो गया इसको कंप्लीट, है ना, ये हो गया टू को कंप्लीट करो होमवर्क है, और थर्ड एक दे रहा हूं यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, बस इतना ही, बस इतना ही, ठीक है, एक तो इसको कंप्लीट करो और यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, ये फाइन, चलो ठीक है, कल मिलेंगे। और ये जो मिरर इमेज वाला पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझने लायक चीज है, इसी को कल डिस्कस करके शुरू, फाइन, चलो आज और टाइम नहीं है, आज यहीं पे खत्म करते हैं, विल कैरी ऑन, ठीक है, चल ओके बेटे, बाय बाय। मुझे पता है एक दो क्वेश्चन डाउट आ रहे थे, ओके कईयों के डाउट अभी भेज रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, आई थिंक वी आर वेल बियॉन्ड टाइम, कल चलो, ओके बाय बाय बेटे, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।